गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चल रहे थे जिसमें मैंने लगभग पूरा कोर्स करा दिया था, माध्यम, माध्यक और बहुलक। कल कुछ बच्चों का फोन आया मेरे पास कि बोला सर वो भारित माध्य वाली प्रश्नावली 17.5 और करा दीजिए। तो भारित माध्य की प्रश्नावली पुरानी बुक में छपी हुई नहीं है, तो आप वो नई बुक में से उतार लें या किसी अन्य विद्यार्थी से उतार लें, राइट? जिनके पास नई बुक है या जिनके पास पुरानी बुक में उतारी हुई है। हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों की सभी बुक में लास्ट के पेज पर यानी कि 18वीं प्रश्नावली के सारांश के नीचे मैंने ये प्रश्नावली पेन से नोट कराई हुई है। तो आप लोग 18वीं प्रश्नावली का सारांश के नीचे देखें, प्रश्नावली 17.5 पुरानी पुस्तकों में सभी जगह मैंने नोट करवाई हुई है और नई पुस्तकों में ये छपी हुई है। 17.5 प्रश्नावली देखिए, ये भारित माध्य की है। भारित माध्य क्या, अब तक आपने माध्य में क्या पढ़ा? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा सूत्र क्या पढ़ा? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यदि प्रेक्षण बहुत ज्यादा हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, तो बार बार से इसको गुणा करके और इस सूत्र द्वारा निकालेंगे। ये तो हो गया अवर्गीकृत बंटन का माध्य। तीसरा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अगेन अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पर एक्स आई है वर्ग का मध्यमान और यह विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। चौथा मैंने कराया था आपको कल्पित माध्य विधि द्वारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। यहां पर डी आई जो है वो है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए और ए है कल्पित माध्य, और यह विधि कहलाती है कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। पांचवा मैंने कराया था पद विचलन विधि। एक्स बार बराबर जबकि बहुत बड़े या अति सूक्ष्म आंकड़े हो, दशमलव में बहुत दूर तक संख्याएं हो, बहुत छोटी संख्याएं हो या बहुत बड़ी संख्याएं हो, तो इसको करते हैं, इस विधि को काम में लेते हैं। सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहां पर यू आई जो है वो निकलता है डी आई बटे एच से, और ये विधि कहलाती है पद विचलन विधि। और भारित माध्य की अंतिम विधि है एक्स बार बराबर सिग्मा डब्लू आई एक्स आई बटे सिग्मा डब्लू आई, डब्लू आई है भार। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, ए कह रहा है मेरे पास एक किलो सोना है, बी कह रहा है मेरे पास एक किलो लोहा है, क्या उसकी कीमत बराबर है? नहीं, वजन बराबर है लेकिन दोनों का मार्केट वैल्यू अलग अलग है। तो भारित माध्य सोने का ज्यादा है, तो सोने का भारित माध्य बहुत ज्यादा होने के कारण मान लीजिए आपके पास दो पेन है, एक रेनॉल्ड का है और एक पार्कर का है, पार्कर वाले की कीमत ज्यादा है इसलिए उसका भारित माध्य अधिक हो गया। तो भारित माध्य से गुणा करके रे माध्य ज्ञात करने की जो विधि है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक छात्र ने अंग्रेजी में 46% विषय है
अंग्रेजी में 46% ये प्राप्तांक है प्रतिशत में, हिंदी में 33%, गणित में 67%, हिंदी में 33%, इतिहास में 72%, अर्थशास्त्र में 58% मार्क्स प्राप्त किए। यदि अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना भार, अंग्रेजी का जो वेटेज है वो 3 गुना है, यानी कि अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, तथा गणित का भार 2 गुना है, तो भारित माध्य बताओ क्या होगा आप लोगों का। बाकी सबका लिखेंगे आप एक ही, अन्य की तुलना में गणित का 2 गुना, अंग्रेजी का 3 गुना है, तो क्या करेंगे? डब्ल्यू आई एक्स आई निकालो, ये हो गया एक्स आई, 3 6 18, 3 6 12 और 1 13, 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 33, 72, 58, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बराबर आठ दो 10 3 13 4 17 और 8 25, 5 3 8 3 11 7 18 5 23 4, और सिग्मा डब्ल्यू आई 3 2 5 6 7 8, तो भारित माध्य हो गया इस बंटन का, इस स्टूडेंट के लिए भारित माध्य हो गया, जो उसका कहीं पर दाखिले के लिए एडमिशन ले रहा है तो उसका माध्य अंक प्राप्त होंगे 435। सूत्र लिखे पहले, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बटे सिग्मा डब्ल्यू आई 435/8, यानी कि 8 5 40, 3 8 6 32, 3 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40। ये इसका भारित माध्य होगा। अब यानी कि कहीं पर एडमिशन हो रहा है तो इसका भारित माध्य ये माना जाएगा, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना वेटेज है। अब देखिए और सवाल देखिए, इसका जो प्रश्न संख्या 4 है वो प्रश्नावली 17.1 के सातवें की तरह है, बिल्कुल वो क्रम सवाल है, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं भारित माध्य विधि से भी, और वैसे भी कर सकते हैं, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई करके दोनों को जोड़कर और पूरी क्लास का वेटेज निकाल देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ए और बी दो विद्यार्थी है, ए और बी दो विद्यार्थी है, दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। आईआईटी में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंकों का वेटेज अलग होता है, गणित अंग्रेजी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वेटेज जो है अलग होता है, इंग्लिश हिंदी ट्वेल्थ के बच्चों को केवल पास करना अनिवार्य होता है, तो मेरिट जो बनती है या एडमिशन हो जाता है, एडमिशन जो होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आधार पर होता है। ऐसे ही बहुत से कॉम्पिटिशन में कहीं पर फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, कहीं केमिस्ट्री का ज्यादा है, कहीं मैथ का ज्यादा है, रिक्वायरमेंट के अनुसार और उस फील्ड के अनुसार वेटेज ज्यादा कर दिया जाता है उस सब्जेक्ट को से संबंधित फील्ड में। ओके, तो आप अगर बीएससी मैथ में एडमिशन ले रहे हैं तो किसी का वेटेज ज्यादा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंकों का वेटेज ज्यादा होगा, इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं जनरली। ए और बी दो विद्यार्थी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, मैं आपको सारी बना के बताऊं,
मैं सवारने दी हुई सारणी को अलग अलग दे रहा हूं, आपको भी अलग अलग बनानी चाहिए परीक्षा में, जैसे मैं करा रहा हूं। सबसे पहले क्रम संख्या, एक दो तीन और चार, फिर है विषय अंग्रेजी गणित भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, अंग्रेजी गणित भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, राइट, ये सब्जेक्ट है। ए विद्यार्थी के प्राप्त अंक है 80, 88, 85, 89, 80 प्राप्त अंक, 80, 88, 89, 85 ए विद्यार्थी के ये अंक है इन सब्जेक्टों में, और भार है डब्ल्यू आई, ये हो गया एक्स आई। भार जो मान्य है अंग्रेजी का 1, फिजिक्स गणित का 3, फिजिक्स और केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 2। तो हम क्या करेंगे, अब देखो बी विद्यार्थी का, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के चल रहा हूं, बी विद्यार्थी की यह कहानी है कि क्रम संख्या 1 ही बनाई हुई है, इन दोनों कॉलम को बार बार नहीं लिखा है, एक बार लिखा है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से मैं आपको समझाने की दृष्टि से अलग अलग लिख रहा हूं, अंग्रेजी गणित भौतिक और रसायन, ठीक है। इस विद्यार्थी के प्राप्तांक है 76, 90, 76, 90, 76, 90, और वेटेज हो जाएगा यानी कि भार हो जाएगा वही 1, 3, 2, 2। बताइए एक ही सीट खाली है, कौन से विद्यार्थी को एडमिशन मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, निष्पक्षता के लिए डब्ल्यू आई एक्स आई का 80, 1, 24, 2, 9, 18, 2, 5, 10 सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई का 8, 4, 12, 9, 6, 15, 7, 22, 7, 29, 4, 5, 6 सिग्मा डब्ल्यू आई निकालो, टोटल 2, 2, 4, 3, 7 और निकालो। ए विद्यार्थी का भारित माध्य निकालो कि ए विद्यार्थी के एवरेज नंबर क्या है, तो ए विद्यार्थी के का भारित माध्य विद्यार्थी के अंकों का भारित माध्य है एक्स बार बराबर, सूत्र बोलो, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बटे सिग्मा डब्ल्यू आई, बिल्कुल ऐसे कैसे जैसे पहले था, तो उसमें एफ आई हुआ करता था, यहां पर 8, 8, 64, 5, 8, 6, 48 और 8, 5, 40 इसके एवरेज नंबर है 86.5, यह भारत माध्य आ गया, औसत भारत माध्य। बी के विद्यार्थी का डब्ल्यू आई एक्स आई निकालो 76, 270,
एक बहत्तर एक अस्सी सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई निकालिए, छह दो आठ सात या इक्कीस और आठ उनतीस चार पांच छ और यह आ जाएगा डब्ल्यू आई आठ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बटा सिग्मा डब्ल्यू आई, छह नौ आठ में भाग देंगे आठ का, आठ आठ चौसठ, पांच आठ सात छप्पन, दो आठ दूनी सोलह पांच। किसके ज्यादा है? बी विद्यार्थी के माध्य अंक ज्यादा है, इसलिए एडमिशन बी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अब मैं आपको भारत माध्य और एक तरीके से बता रहा हूं। दो भाई हैं ए और बी, घर में एक किलो सोना है एक किलो चांदी है। दोनों भाई ये सोचते हैं कि अब चलो यार अलग अलग हो जाते, साथ साथ नहीं रहते, शादी ब्याह सब हो गया, बालक छोटे हो गए, अब अलग अलग हो जाते हैं। क्या ये संभव है कि एक भाई एक किलो सोना ले ले और एक भाई एक किलो चांदी ले ले? संभव है? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सोने की बाजार का मूल्य ज्यादा है, चांदी का बाजार का मूल्य कम है। बाजार का मूल्य बराबर रखते हुए उनका बंटवारा होगा, सोने का भार ज्यादा लिया जाएगा और चांदी का कम लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से मार्केट में यदि कोई दुकान है वो करोड़ों रुपए की है, मोहल्ले में कच्ची बस्ती में है उसका मूल्य कम है, एरिया से क्षेत्रफल से उनको बराबर नहीं किया जा सकता। भारित माध्य के लिए उनका वेटेज लिया जाता है। एक डब्बे में एक किलो देशी घी है और एक डब्बे में एक किलो पानी या छाछ है तो दोनों का मूल्य बराबर नहीं होता, इसलिए जिसकी कीमत जिसका भार जिसका वेटेज अधिक होता है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हुए और दूसरी यूनिट को एक मानते हुए फिर हम भारित माध्य एवरेज मीन निकालेंगे। यह प्रश्नावली आज यहीं पर समाप्त होती है। एक सवाल जो मैंने बता दिया आपको, प्रश्न संख्या चार 17.1 का सातवां सवाल है, तीसरा सवाल आप लोग स्वयं करेंगे। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे और सुनिए कि यह प्रश्नावली आज यहाँ पर समाप्त हुई। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप स्टेटिक्स की, यह सांख्यिकी की प्रश्नावली समाप्त हुई। आप लोग बढ़िया ढंग से इसको करें। सोम अगली जो क्लास होगी उस पर मैं आपको एक बार समरी पूरी प्रश्नावली की कराने के बाद नया चैप्टर चालू कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।